बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आज फिर से हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ बेसिक मेकअप टिप्स शेयर करूंगी और ये टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों की डेली लुक के लिए। और अगर अच्छा मेकअप ना किया हुआ हो ना, आप जैसे कि बाहर जा रहे हो, आप यूनिवर्सिटी गोइंग हो, इसके अलावा आप ऑफिस जाते हो या आप कोई भी जॉब करते हो, तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छा सा लाइट सा और क्लासी सा मेकअप लुक क्रिएट करके बाहर जाओ। अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप किया हुआ होगा, हैवी बेस यूज़ करोगे, वो भी बहुत बुरा लगता है। और अगर आप बिल्कुल अपने आप को जो है ना ऐसे ही छोड़ के जाते हो, तो वो भी बहुत अजीब फील होता है। तो ये जो मेकअप मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये मैं डेली रूटीन में, अगर मैंने जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो मैं ये वाला मेकअप इस तरह से करके जाती हूँ। अच्छा, ये पिक्चर जो है ना वो निर्मल खावर की मैंने इसमें अटैच की है और इनका जो मेकअप है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और नेचुरल सी इनकी लुक होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लासी सी लुक होती है और मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बिल्कुल भी ओवर मेकअप कभी भी नहीं किया हुआ होता इन्होंने, तो मैं भी जो है ना ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तरह का मेकअप ही अपने ऊपर भी अप्लाई करूँ। तो बस अब वीडियो को लंबा ना करते हुए कुछ बेसिक ग्रूमिंग मेकअप टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। सबसे पहली चीज़ जो कि फेस के ऊपर यूज़ करनी है, कोई भी लाइट सी बीबी या सीसी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन क्लियर है, आपके फेस पे किसी किस्म की कोई पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है, तो बेहतर है आप बीबी क्रीम यूज़ कर लें। और अगर आपके फेस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक्नी है या एक्नी मार्क्स वगैरह हैं, तो फिर उसके लिए जो है ना आपको सीसी क्रीम यूज़ करनी पड़ेगी। कोई भी हैवी बेस नॉर्मल रूटीन में जब आप बाहर जा रहे होते हैं तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, जैसे कि हैवी फाउंडेशंस वगैरह। अच्छा, इस तरह से अगर आप बाहर जाते हो और आप हैवी बेस यूज़ करते हो तो वो बहुत ही अजीब फील होता है, इसलिए बेहतर है कि बीबी सीसी क्रीम जो कि लाइट टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करती हैं, वो आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और जो बीबी क्रीम है वो लाइट कवरेज प्रोवाइड करती है, जो सीसी क्रीम है वो थोड़ी सी मीडियम कवरेज प्रोवाइड करती है। यही इन दोनों का फ़र्क है बेसिकली। तरह की ही क्रीम यूज़ करें जो कि फेस पे बहुत ज़्यादा नज़र ना आए, बल्कि आपकी एक बहुत अच्छी सी नेचुरल सी स्किन टोन आपको मिल जाए और बहुत ज़्यादा हैवी भी फील ना हो स्किन पे। अच्छा, ऑप्शंस बहुत सारी हैं, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, बीबी क्रीम भी हैं, सीसी क्रीम भी हैं, तो बेहतर है कि आप खुद ही अपने स्किन टोन के मुताबिक और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बाज़ार से जाके कोई भी अच्छी सी खरीद सकते हैं। मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, इसका जो है ना इसकी जो टोन है ना वो मेरी स्किन टोन के साथ काफ़ी मैच करती है, तो इस वजह से ये मुझे काफ़ी पसंद है और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी स्किन टोन के मुताबिक कोई भी चूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ जो है ना वो मेरे पास कंसीलर और इसके अलावा लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, कोई भी आप इनमें से यूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो है ना ये मेरे, क्योंकि आंखों के नीचे एक डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं जो है ना वो आंखों के नीचे कंसीलर जरूर यूज करती हूँ। अगर आपके साथ ऐसा कोई ज्यादा मसला नहीं है तो आप इसको जो है ना इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो और आप जो है ना लूज़ पाउडर वाले स्टेप को भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं जो है ना ज़्यादातर इसको पूरे फेस पे नहीं, सिर्फ आंखों के नीचे जो है ना वो अप्लाई करती हूँ कंसीलर को सेट करने के लिए। बीबी क्रीम जो है ना वो वैसे ही थोड़ी देर में सेट हो जाती है और नेचुरल सी लुक देती है। अगर आप पाउडर अप्लाई कर लोगे पूरे फेस के ऊपर तो वो बहुत हैवी हैवी सा और केकी सा लुक देने लगेगी। तो ये वाला स्टेप जो है ना ये ऑप्शनल में आता है, अगर आपने यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो है टिंट, और टिंट जो है ना ये बहुत ही मुझे ना पसंद है मेकअप में, मेरा फेवरेट पार्ट जो है ना वो टिंट अप्लाई करना है। अगर मैं फेस के ऊपर कोई बीबी क्रीम कुछ भी नहीं अप्लाई करी ना, तब भी सुबह उठ के मैं टिंट ज़रूर यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने के बाद, सनब्लॉक के बाद, क्योंकि ना ये बहुत ही नेचुरल सी और बहुत ही प्यारी सी लुक देता है और ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने फेस के ऊपर कुछ अप्लाई किया हुआ है, बस ऐसा लगता है कि जैसे ना आपके चीक्स जो है ना वो काफ़ी रोजी रोजी से हुए हुए हैं। मार्केट में बहुत सारे टिंट्स अवेलेबल हैं, आप अपनी पॉकेट के मुताबिक अपने मुताबिक कोई भी अच्छा सा कलर परचेज कर सकते हैं। और मैंने एक टिंट्स पे वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोगों को उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप कोई भी अच्छा टिंट परचेज करना चाहते हैं, तो वो वीडियो आप लोग लाजमी देखें। तो नेक्स्ट स्टेप जो है ना इसके बाद है लिपस्टिक या लिप ग्लॉस वगैरह। अच्छा, लिपस्टिक और लिप ग्लॉस वगैरह डेली रूटीन में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं ऑफिस वगैरह या यूनिवर्सिटी वगैरह, तो एक अच्छे से दो तीन कलर्स में बल्कि आप ले के रख सकते हैं, लाइट लाइट से कलर्स में लिप ग्लॉस भी ले सकते हैं, लिपस्टिक्स भी ले सकते हैं। लेकिन जो लिपस्टिक है ना मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ी सी लाउड, अगर मैंने कहीं बाहर जाना है तो मैं थोड़ी सी लाउड लिपस्टिक अप्लाई करूँ, क्योंकि जो लाइट लिपस्टिक है ना वो मेरे ऊपर मुझे ऐसा लगता है जैसे सूट नहीं करती। तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि थोड़ा सा लाउड कलर लगाने के बाद उसको मर्ज करके उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लॉस अप्लाई कर लेती हूँ। तो अपने फेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट इस लिहाज से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पता चल जाए आपको कि आपके फेस के ऊपर क्या चीज़ सूट कर रही है और क्या चीज़ सूट नहीं कर रही है। और डे टाइम में जो है ना ब्राउन टोन में कलर जो है ना वो बहुत बेहतर रहते हैं।
और काफ़ी क्लासी सी आपको लुक देते हैं। और इसके अलावा पिंक टोन में भी आप लोग जाके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रेड टोन के कलर्स हैं ना, रेड मरून टाइप, वो आप रात के टाइम यूज़ कर सकते हैं। जब आपने रात के टाइम कहीं पे बाहर जाना हो तो ये जो कलर है ना, ये मेरा ब्राउन टोन का कलर है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन टाइप का इसका कलर है, और यही मैं आजकल जो है ना, जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं यही वाला इस्तेमाल करती हूँ। तो बस ये लिपस्टिक की थोड़ी सी जो है ना बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो कर दी हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट चीज़ है मस्कारा। अच्छा, मस्कारा वाला जो स्टेप है ना, वो आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि मस्कारा जो है ना, वो अगर आपने कुछ भी नहीं आंखों के ऊपर अप्लाई किया है ना, और आप खाली मस्कारा अप्लाई कर लेते हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है, और आई लैशेज जो है ना, उनमें एक जान सी आ जाती है। तो मस्कारा जो है ना, वो आपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप है आईब्रो पेंसिल। और आईब्रो जो है ना, वो आपको फिल ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड नहीं, बहुत ही नेचुरल सी मैं अपनी जो है ना आईब्रोज़ को शेप देती हूँ। नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा हैवी कर लिया आईब्रोज़ को, बहुत नेचुरल सी लुक देती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। आपको अगर नहीं आता तो आप ज़रूर ये सीखें, और सीख के ना आप लोग अपने आईब्रोज़ को एक अच्छी सी शेप दिया करें, क्योंकि आपकी आईब्रोज़ जो है ना, वो आपकी फेस को प्रोमिनेंट करती हैं। तो आईब्रो पेंसिल एक अच्छी सी आप कोई भी ले सकते हैं, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। वैसे ये जो है ना, ये मैंने लिया था एज आई लाइनर, यानी कि मैं आई लाइनर इसे अप्लाई करती थी, लेकिन ये आई लाइनर के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको एज अ ब्रो पेंसिल यूज़ करना शुरू कर दिया, और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि इसकी जो इसका जो कलर है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्लैकिश नहीं है, क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं है, तो इसलिए जो है ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। इसका जो कलर है ना, ये लाइट ब्राउन सा कलर है, तो ये मेरे लिए तो बहुत बेस्ट चल रहा है। बाकी आप अपनी स्किन के मुताबिक, अपनी ब्रोज के मुताबिक, अपने फेस के मुताबिक कोई भी परचेज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये समझ लें कि ऑप्शनल है, मुझे पसंद है, मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अप्लाई, और ये है आईलाइनर। और आईलाइनर जो है ना, वो आपको अगर लगाना आता है ना, तो बस मज़ा ही आ जाता है। अगर आपको नहीं लगाना आता, तो बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप लगाना सीख भी सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप नहीं है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप लगाना चाहते हैं ठीक है, अगर आप नहीं लगाना चाहते वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं अप्लाई करती हूँ। तो ये बेसिक मेकअप जो है ना, ये आप लोगों के पास होना चाहिए, और आप लोग इसको जो है ना, वो अगर आपको नहीं करना आता तो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये काफ़ी आसान है, कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मेकअप नहीं है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोगों ने बहुत ही अच्छी सी क्लासी सी लुक क्रिएट करनी है डेली मेकअप की, डेली बाहर जाने के लिए, तो आप लोग जो है ना, वो ज़रूर इसे ट्राई करें, और ये चीज़ें ज़रूर अपने पास अपनी डेली रूटीन में रखें, और कोशिश करें कि हैवी मेकअप बिल्कुल भी ना किया करें, खासतौर पर जब आप दिन को बाहर जा रहे होते हैं, तो बहुत ही लाइट सा सटन सा मेकअप किया करें। और रात को ये है कि आप लोग थोड़ा सा लाउड मेकअप कर सकते हो, लेकिन दिन के टाइम जो है ना, वो फिर बहुत बुरा लगता है। और ये वाला जो मेकअप है ना, ये बहुत बेस्ट मेकअप है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है, और इससे आप बहुत ही अच्छे से क्लासी सी लुक क्रिएट कर सकते हो। तो बस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अब इंशाल्लाह मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।